कैसे हैं आप? कई बार नेट पे इतना अच्छा पढ़ने को मिल जाता है ना कि मन करता है कि बस फटाफट आपसे शेयर करो। मैंने जो पढ़ा वो कुछ ऐसे है कि एक लड़का है 8 साल का, 8 साल का एक लड़का है और अपने बाल लंबे करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चे हैं, बाल लंबे करने का आजकल का फैशन है, मतलब इस तरह की चीजें कि आजकल के बच्चे मारते हैं, इस तरह के थॉट्स आपके मन में चल रहे होंगे। पर जब मैं आपको सही बात बताऊंगी कि वो बाल लंबे किस लिए कर रहा है, तो आप ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप ये कहेंगे कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो बात ये है कि एक लड़का 8 साल का है, अपने बाल लंबे इसलिए कर रहा है कि उसके जो कैंसर पीड़ित फ्रेंड्स हैं, उनके जिनके बाल अब नहीं रहे, उनके लिए विक तैयार हो सके, ये जज्बा था उसमें, इसलिए वो बाल लंबे कर रहा था। स्कूल के दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, पर जब उनको ये चीज पता लगी कि ये बाल लंबे इसलिए कर रहा है कि इसके बालों की वेव बन सके, तो उन्होंने भी ये फैसला लिया कि हम भी कुछ ऐसा प्रयास करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं, कहने को बहुत छोटी होती है, पर देख के पढ़ के बहुत खुशी होती है कि कितने अच्छे लोग हैं समाज में, जिनको दूसरों के प्रति उनके दुख से प्रभावित होते हैं, उनको लगता है कि किसी भी तरह से उनकी मदद की जाए। जैसे पिछले कुछ समय पहले मैंने एक पढ़ा था, नेकी की दीवार, आपने भी शायद पढ़ा होगा, नेकी की दीवार, कि जैसे कई लोग होते हैं देने में, कईयों को लेने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, तो एक एक प्लेटफॉर्म बना दिया नेकी की दीवार, उस पे सामान रख दिया, चाहे कपड़े हैं, चाहे स्कूल बैग है, चाहे कॉपी पेन है, कुछ भी तरह तरह की चीजें, चप्पल है, स्टेशनरी है, वहां पे रख दी, जिसको चाहिए आगे ले जाओ। अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा एक विश ट्री, एक मंदिर के परिसर में, ये हरियाणा की न्यूज है, मंदिर के परिसर में एक विश ट्री बना हुआ है। उसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे मंदिर में श्रद्धालु आते थे, तो वो जैसे कुछ भी दान दे गए, कुछ भी दे गए, तो कई बार वो चीजें यूज भी नहीं होती थी, वेस्ट जाती है। तो उन्होंने क्या सोचा है कि क्यों ना एक विश ट्री बनाया जाए, जिन बच्चों को जरूरत है वो अपनी, जैसे किसी को साइकिल चाहिए, किसी को स्कूल बैग चाहिए, वो उस ट्री पे एक पर्ची बांध देते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं जो अपने हिसाब से जितना देना चाहते हैं उस हिसाब से उस बच्चे को दे देते हैं। तो बहुत सारी चीजें गई है इसी अच्छे कार्य में, जैसे किसी ने बैसाखी लिख दी, किसी ने व्हील चेयर लिख दी, किसी ने साइकिल लिख दी, किसी ने स्कूल बैग लिख दिया, कितनी अच्छी चीजें। कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि अगर हम में कुछ करने की ललक है ना, हम किसी की मदद करना चाहते हैं, वैसे देखे देखे करके देखे कितना अच्छा लगता है, हम सोचते रह जाते हैं, कई बार हम सोचते रह जाते हैं चलो करेंगे उसकी मदद, पर हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, करना चाहिए, और इस बच्चे से तो जरूर सीखना चाहिए। इस बच्चे की न्यूज ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं 10 मिनट तक ये न्यूज ही देखती रही कि ऐसा भी होता है। मतलब जैसे ब्लड डोनेशन की बात ले लीजिए, ब्लड डोनेट करते हैं, किसी एक्सीडेंट हो गया किसी की मदद करते हैं, कोई ना कोई रूप में, किसी ना किसी रूप में हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। उस बच्चे के मन में पता नहीं क्या विचार आया होगा, पर मेरे लिए ये थॉट एकदम नया था कि अपने बालों के विग बने इसलिए वो अपने बाल लंबे कर रहा है। कोई उसके ऊपर हंसता है, हंसने दो, उसको कोई किसी से कोई चिंता नहीं है, पर दूसरे लोग, अब क्या हुआ, दूसरे स्टूडेंट्स क्या हुआ उससे प्रेरणा, तो हम क्यों नहीं कर सकते अच्छा काम। आज जो मैं कहने आई हूँ वो सिर्फ इतना ही कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम अब हम आगे बढ़कर योगदान सोसाइटी में क्यों नहीं दे सकते। हमें करना चाहिए, हमें योगदान देना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए, लोगों की हेल्प के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। आप अपने दिल से पूछिए कि आप करना चाहते हैं। मैं 100% कह सकती हूँ आपका दिल कभी भी ना नहीं करेगा कि हमने किसी की मदद नहीं करनी, वो हमेशा तैयार है, वो बस आपकी वेट कर रहा है, आपके हाथों की वेट कर रहा है कि आप करिए किसी तरह से, मैं तैयार हूं। तो करके देखिए, आज तो बस और सिर्फ मैं उस बच्चे की न्यूज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी, तो मुझे लगा कि ये चीज शेयर करूं कि अगर किसी में जज्बा है, कोई कुछ करना चाहता है, तो एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है किसी की मदद। तो वैसे भी करके देखिए, किसी की मदद, किसी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल भी लाके देखेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, आप सारा दिन आपका इतना अच्छा निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो जरूर सोचिएगा इस बारे में। कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल रखिए और कोशिश कीजिए दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल आए, पक्का, और बी पॉजिटिव।